dear students i welcome you in the course of leadership emotional intelligence and decision making this is module number 34 and we are going to talk about attention and working memory and perceiving reality beyond one's blind spots when we talk about blinders or blind spots we are careful about one phenomena that sometimes we are not aware wholly about the reality and when we talk about reality remember one thing

कॉन्शियस लेवल के ऊपर हमें कैसे बिहेव करना है सो दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ योर माइंडफुलनेस ट्रेनिंग दैट यू हैव टू कम अक्रॉस इमोशनल रेगुलेशन एंड कंट्रोल टू बूस्ट योर थिंकिंग प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि किस सिचुएशन में हमें कैसे रिएक्ट वो करना चाहिए ना परसीविंग रियलिटी के टॉपिक को जब हम डिस्कस करते हैं तो रिमेंबर वन थिंग दैट वी ओनली नो वट वी नो हम अपनी नोइंग से बियॉन्ड नहीं जा सकते और हमारी नोइंग से बिलॉन्ड बियॉन्ड इज यूजली द ब्लाइंड स्पॉट्स स्पॉट्स और वो ब्लाइंड हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं कंडीशन हैं कंस्टेंट्स हैं और हम अपने बशर होने के नाते उस हद से आगे चीजों को नहीं जान पा सकते जो कि हमें पता ना हो सो जस्ट लाइक एज यू नो कि इन कम्युनिकेशन वी कम अक्रॉस एनकोडिंग एंड डी बिल्कुल इसी तरह जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं सोशल सिस्टम में इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ जब हम बातचीत करते हैं तो वी हैव टू सी वट इज द एक्चुअल मीनिंग हाउ दैट मीनिंग इज एंडेड इन टू वर्ड्स हाउ द मीडियम एंड हाउ दैट मीडियम इज डी को डीकोडिंग वी हैव टू सी अनदर इंपॉर्टेंट फिन कि उस डीकोडिंग से परसेप्शन एक्चुअली वो क्या क्रिएट हुई हैं बिकॉज जो डी कोडेड फॉर्म में एक मैसेज अगले शख्स के जहन में आएगा जाहिर है उसके लिए रियलिटी उस मैसेज का मायने वही पर्टिकुलर फैक्टर है जो उसने परसीव किया सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल इन अवर इंटरेक्शन इन अवर डिसीजन मेकिंग विद अदर्स एंड दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट लीडर फॉलोअर रिलेशनशिप द सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड में किस किस्म की तब्दीलियां वो रूनुमा हो रही हैं और एनवायरनमेंट में आने वाली तब्दीलियां बाजात हमें अपने कोर्स ऑफ एक्शन को भी चेंज करने को वो कहती हैं एंड सम्स टू कोप अपवायरमेंटल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल इमोशनल कंट्रोल एंड टू कम अक्रॉस इमोशनल इंटेलिजेंस एन अदर इंपॉर्टेंट थिंग जब भी हम कोई फैसला करते हैं किसी के साथ कोई मामला करते हैं तो उसमें हमारी इंटरनल बायसेज कैन ऑलवेज कम इन टू प्ले

कि अब अपने आप को माइंडफुल रखने के लिए वी मे हैव टू गो थ्रू माइंडफुलनेस ट्रेनिंग उस माइंडफुलनेस ट्रेनिंग में विल कम अक्रॉस मेडिटेशन विल कम अक्रॉस डिफरेंट टेक्निकल ट्रेनिंग सेशंस जिसमें कि हम अपने आप को कैसे ज्यादा कॉन्शियस रख सकते हैं इस चीज को जानने की कोशिश वो कर पाएंगे अगर हम इस सारी बातों को इंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि वेन एवर वी हैव टू टॉक अबाउट डिफरेंट माइंडफुलनेस फिनोमिनाज तो हमें इस बात को फोकस में रखना पड़ेगा कि हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस और हमारा कॉग्नेटिव कंट्रोल दैट मस्ट बी ट्रेंड सो दैट इट रिमेन्स विद इन इट्स बाउंड्रीज एंड इट रिमेन्स विद इन इट्स कंट्रोल फॉर अस थैंक यू